मैं इंदु अग्रवाल, मैंने यहाँ पे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराया है, जो सबसे बढ़िया रहा, सक्सेस रहा। स्टाफ बहुत अच्छा, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, देखभाल बहुत अच्छी हुई और मुझे सब तरह से सेटिस्फेक्शन है। और मैं तो सबसे कहूँगी, यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अपना यहाँ इलाज कराएं, अपने आपको ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा और जगह से। ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ था? यूट्रस में गांठ का मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें गांठ बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी आपकी गांठ? शायद 9-10 इंच से ज्यादा बड़ी मेरी गांठ थी। उसमें कुछ पानी वगैरह का भी वो प्रॉब्लम थी, तो वो उसका ऑपरेशन हुआ, जो मेरे लिए बहुत सक्सेस रहा और मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी स्पीड से हो रही है। उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना टांगों में कोई तकलीफ हुई, ना रिकवरी में कोई तकलीफ हो रही है, ना उठने बैठने में कोई तकलीफ हो रही है। ऑपरेशन के कितने घंटों बाद आप चलने फिर मतलब उठना बैठना आपको बता दिया था? 8-9 घंटों बाद मुझसे मेरे को उठा के अपना बैठा दिया था, और फिर शायद 10 ही घंटे में मैं थोड़ा अपना खुद वॉशरूम वगैरह जाने लगी थी थोड़ा सा। चाय पानी वगैरह आपने ले लिया था? हाँ, चाय पानी तो शायद 4-5 घंटे बाद ही मेरे को चाय पानी दे दिया था, तो ये बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशन के बाद आपको कितना दर्द रहा? नहीं, दर्द नहीं हुआ, दर्द तो नहीं रहा। ये था कि उठने बैठने में दूसरे का सहारा, वो मन में एक डर होता है ना कि ऑपरेशन हुआ है इसलिए दूसरे का सहारा लिया, नहीं तो वैसे कोई दर्द नहीं था। बस बाकी सब बहुत अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कहूंगी कि आपको यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले आप यहाँ दिखाएं, उसके बाद अपना डिसीजन लें। आप कुछ बताएंगे सर? मैं आरके अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, मेरी वाइफ है इंदु अग्रवाल। हमें रेफर किया गया था, अलवर से हम बिलोंग करते हैं। हमें रेफर किया गया था कि आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। हम बिल्कुल अननोन थे, पहली बार आए थे इस हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ के आने के बाद और यहाँ की जो व्यवस्था और जो ऑपरेशन के बाद तुरंत डॉक्टर साहब का जो बिहेवियर, नर्सिंग स्टाफ, सभी मेडिकल स्टाफ ने इतना कोऑपरेट किया और डॉक्टर साहब का नेचर तो बिल्कुल इतना फ्रेंडली था कि हमें लगा ही नहीं कि मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। तुरंत उन्होंने कह दिया कि नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है खाने पीने में, उठने बैठने में, टहलने में। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद मैंने इतनी लाइफ में मैंने शायद नहीं, पहले कभी नहीं महसूस किया। अति सत्य हॉस्पिटल में हम गए, जयपुर भी कराया था एक बार किसी और पर्पज से, दुर्लभ भी हुआ, फोर्टिस हुआ, इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल्स में भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो जो एक होता है ना नेचर डॉक्टर का एकदम फ्रेंडली, वो सबसे बड़ा मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर साहब ने सेम डे कह दिया था कि आप जा सकते हो आफ्टर ऑपरेशन, 5-6 घंटे बाद जब जा सकते हो। हमने ही थोड़ा सा इनको प्रेस किया कि एक नाइट और रुक जाएंगे। तो हम ये गाइड करेंगे किसी भी तरह को किसी का ऑपरेशन हो इस तरह का, बिल्कुल घबराए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल अपना ऑपरेशन होता है। बिना घबराए यहाँ पे आए और अच्छी से अच्छी सर्विस पाए यहाँ पे। मैं गाइड करूंगा और ये अप्रोच भी करूंगा, मेरे जितने भी कलीग्स होंगे या उनके कॉलोनीज में अकबर में, तो मैं गाइड करूंगा कि पहले प्रेफरेंस यहाँ दें, फर्स्ट यहाँ आए, दिखाएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।